अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो यहाँ पे रमज़ान की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है और यहाँ पे ये देखिए जो लाइट हमने ये लगाई थी शबे बारात पे, इसको हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जाला झाड़ना है। वो देखिए कोने में कितना ज़्यादा जाला वहाँ पास दिख रहा है ना। तो इस कमरे की जो है सफाई करनी है, जाला झाड़ना है। और ये देखिए फ़ैन की हालत देखिए क्या हो गई है, ये देखिए इतना ज़्यादा गंदा है। तो आज हम लोग जो है इस कमरे की और बरामदे की सफाई करेंगे, सारी बेडशीट हटा देंगे। ये देखिए मैट्रेस इस तरह के हैं, गद्दा जो है हमारे, इन सबको हटा देंगे, हटा के जाला झाड़ेंगे, फिर उसके बाद धुलाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए उमर जो है सारी लाइट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए उमर जो है लाइट निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए गद्दा हटा रहे हैं, गद्दा को हटा के उस कमरे में रख देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लोग जाला झाड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे गद्दा हटा दिए हैं दोनों तख्त का, ये देखिए। और यहाँ पे इनको देखिए ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए उमर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो कॉपी किताब अलमारी पे कुछ ज़्यादा ही फैली हुई थी, तो मैंने उमर से कहा कि अपनी जितनी सारी कॉपी किताब है उन सबको बैग में भर के ऊपर टाँड़ पर रख दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली रहती है। कॉपी किताब सारी ऊपर रखवा देंगे क्योंकि नया सेशन शुरू होगा तो न्यू कॉपी किताब लेनी होगी, और इसको जो है हम ऊपर रखवा देंगे। और नीचे रहती इतना ज़्यादा ये लोग फैलाए रहते हैं कि मतलब क्या पूछें, इतना ज़्यादा फैला। फिर उसके बाद मैंने जाला झाड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मैं जाला झाड़ रही हूँ, इतना ज़्यादा गंदा था हम लोगों का घर, इतना ज़्यादा गंदा था कि क्या बताऊँ मैं। और यहाँ पे ये देखिए उमरा को देखिए, सब लोग अपने काम में जुटे हैं, सब साफ़ सफाई कर रहे हैं, एक एक लोग, मतलब उमर जो है, हसन है, सब लोग एक एक काम लेके जो है थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जेली वाली कैंडी खरीद के लाई हैं तो ये अपना खाने में मस्त हैं, इनसे कोई काम नहीं होगा। और यहाँ पे ये देखिए इस तरफ मैंने उमर को दे दिया है झाड़ने के लिए, क्योंकि उस तरफ मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था, तो उमर को ये देखिए गुड़िया पे ये देखिए इस पर चढ़ा दिए हैं ताकि ये अच्छे से उधर से साफ कर दें। और मुझे इस पर चढ़ने में डर लगता रहता है इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ यहाँ। तो खैर माशाल्लाह उमर मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते रहते हैं, और क्योंकि इनका पेपर भी ख़त्म हो चुका है तो मैंने कहा चलो साथ में मिलके हेल्प करवाएंगे मेरी। और यहाँ पे ये देखिए डस्ट बहुत ज़्यादा है तो उमर मास्क लगा के जो है झाड़ू मार रहे हैं, जाला झाड़ रहे हैं। यहाँ पे जो है उमर पंखा साफ़ करने लगे हैं, और पंखा इतना ज़्यादा गंदा था कि पूरी ठंडी बीत गई थी, हम लोगों ने पंखे को नहीं साफ़ किया था, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा था। तो उमर साफ़ कर रहे थे और कह भी रहे थे कि मम्मा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने सारे जो खिड़की के ग्लास हैं उन सबको गीले कपड़े से मैंने खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया, क्योंकि उस पर डस्ट जमी रहती है तो इसको मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये देखिए पंखा हमारा कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। फिर मैंने जाला झाड़ा, जाला झाड़ने के बाद पूरा दीवार उवाल झाड़ी, दीवार झाड़ने के बाद मैंने पाइप लगाया, पाइप लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैं धुलाई कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए अली खड़े हैं, ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है। धुलाई के बाद सारा पानी निकाल दिया, अब देखिए हमारा कमरा कितना साफ़ लग रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए सारा काम होने के बाद ये देखिए आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना है, मैंने चाउमीन बना दी है क्योंकि बहुत मेहनत हो गई है आज, तो मैंने चाउमीन बना दी है। और ये देखिए इस तरफ अली जो है अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए उम्र बैठी हैं।
चाउमीन खाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए लाइट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अंधेरा है चारों तरफ ये देखिए। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि मतलब लाइट जो है 2-3 दिन तक नहीं आएगी, देखते हैं क्या होता है। और क्या कहते हैं, दोपहर से लाइट गई हुई है, जब हम लोग शायद चाउमीन खा रहे थे तभी से लाइट गई है, तब से अभी तक नहीं आई है। और देखिए बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, वो देखिए वहाँ पर हसन जो है टॉर्च जला के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट डे हो चुका है और कल रात में कुछ भी नहीं शूट हो पाया था क्योंकि आप लोगों से मैंने बताया था कि लाइट नहीं है। और लाइट आई थी रात में 1:30 बजे, 1:30 बजे हम लोग उठे, रात में पानी भरा है क्योंकि पानी एक बूंद भी हमारे घर में नहीं था, बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे हम लोग मैनेज किए होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट डे हो चुका है, यहाँ मैंने उमर को जाला छाड़ने के लिए ऊपर टाँड़ पर चढ़ा दिया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर ये देखिए फैला हुआ है, ये देखिए ये सब। तो आज हम इस कमरे की क्लीनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए बच्चों का क्राफ्ट का सामान भी है, मैं इस साइड में रखवा दूंगी। क्लीनिंग के साथ साथ ये देखिए मैं इस तरफ खाना भी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं और रात में लाइट ना होने की वजह से खाना भी नहीं बन पाया था, तो सब लोग ऐसे ही सो गए थे बिना खाए। तो इस टाइम जो है लाइट है तो मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ, क्लीनिंग भी कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए फाइनली सारा सामान यहाँ इस तरफ रखा दिया है। और ये देखिए जो बन पड़ा है जैसे हो सका है हमने साफ सफाई अपने घर की कर ली है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सारे गंदे कपड़े हैं, इसको अभी वॉश करना है तो इसको हम अभी बाद में वॉश करेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो चुका है तो एक दिन में पूरा काम नहीं हो पाएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम रमज़ान की जो ग्रॉसरी थोड़ी बहुत लाएँगे उसका व्लॉग आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।